देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 191वीं जयंती मना रहा है। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी 116वीं जयंती है। जयंती के अवसर पर आज संपूर्ण राष्ट्र ने दोनों महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजघाट पर महात्मा गांधी के प्रिय भजनों के एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए बापू को नमन किया। पीएम मोदी ने लिखा कि हम गांधी जयंती के मौके पर प्यारे बापू को नमन करते हैं। उनके जीवन और महान विचारों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। बापू के आदर्श हमें समृद्ध और करुणा भारत बनाने में मार्गदर्शन करते रहेंगे। जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने विजय घाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनकी स्मृति को नमन। भारत माता के उस महान सपूत ने अभूतपूर्व समर्पण और सत्यनिष्ठा से देश की सेवा की। हरित क्रांति व श्वेत क्रांति में मूलभूत भूमिका और युद्धकाल में सदृढ़ नेतृत्व के लिए सभी देशवासी उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए लिखा, लाल बहादुर शास्त्री जी विनम्र और दृढ़ थे। उन्होंने सादगी को महत्व दिया और हमारे राष्ट्र के कल्याण के लिए जिया। हर काम के लिए कृतज्ञता की भावना के साथ याद करते हैं। नेशन लाइव आईपीटीवी के लिए कृतिका त्रिपाठी की रिपोर्ट।